दिव्यांग होकर भी खुद को दृढ़ता से जीवन में कैसे स्थापित किया जा सकता है, ये मिसाल पेश की है हिमाचल प्रदेश की ऊना के भदसाली गांव के प्रगतिशील किसान रमन कुमार ने। छोटी उम्र में एक हादसे के चलते दिव्यांग होने वाले रमन कुमार ने शिक्षा के साथ साथ खेतीबाड़ी में अपने माता पिता का हाथ बढ़ाना शुरू किया था। आज रमन कुमार प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में स्थापित किसान के रूप में प्रतिवर्ष करीब 4 लाख रुपए कमा रहे हैं। रमन का कहना है कि जब उन्होंने खेतीबाड़ी का कार्य शुरू किया था तो वे केमिकल युक्त खेती किया करते थे, जिससे फसलों की पैदावार में कमी होने के साथ साथ खेतों की मिट्टी भी खराब हो रही थी। रमन कुमार ने बताया कि रसायन युक्त खेती से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने प्राकृतिक खेती की ओर रुख किया और पालमपुर में इसका प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण के बाद उन्होंने 25 बीघा जमीन पर प्राकृतिक खेती करना शुरू किया, जिससे फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी हुई और कृषि की लागत में भी कमी आई। तो मैं बचपन में 13-14 साल की जब आज थी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उसमें मेरी एक टांग कट गई थी। और उसके बाद जैसे तैसे मैंने अपनी प्लस टू तक पढ़ाई करने के बाद फिर खेती में ही माता पिता का हाथ बटाना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो हम थोड़ा खेती केमिकल वाली कर रहे थे, पर बाद में ब्लॉक ATM और BTM जो आत्मा के हैं हरोली ब्लॉक के, उन्होंने हमें पालमपुर ले जाकर सुभाष पालेकर जी से प्राकृतिक खेती की जो ट्रेनिंग करवाई थी, उसके बाद मैंने तुरंत ही उसी समय से लगभग 25 बीघा अपनी ज़मीन थी जो उसमें प्राकृतिक खेती शुरू कर दी। इससे पहले जब हम प्राकृतिक खेती से पहले जब रासायनिक खेती कर रहे थे उसमें हमारी जो लागत थी वो बहुत ज़्यादा आ रही थी और उसमें पैदावार भी कम आती थी और ज़मीन भी जो हमारी थी वो काफ़ी कठोर हार्ड हो रही थी, जिसकी वजह से ही पैदावार कम हो रही थी और खेतों में सामान्य सी वर्षा होने के बाद भी नुकसान हो जाता था। जबकि अब हम जब प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो इससे हमारे खेतों में एक जीवंतता आ गई है, हमारी मिट्टी जो सजीव हो उठी है। हमारे खेतों में अब अगर थोड़ी सी भारी वर्षा भी होती है तो वो भी उसका पानी भी ये अपने आप ही ज़मीन सोख लेती है और इसमें जो पैदावार है वो भी रासायनिक खेती से ज़्यादा है और इसकी पैदावार है उसकी जो गुणवत्ता है वो भी अधिक है और इसके ख़रीदार भी लगभग, मैं पिछले साल कम से कम 20 क्विंटल प्याज था वो मेरा खेत में ही बिक गया था और उसके बाद हमारी यहाँ लोकल गंडियाली होती है वो भी लगभग मेरी सारी की सारी यहीं पर ही बिक जाती है। फिर लहसुन होता है वो भी मेरा लगभग यहीं से ले जाते हैं लोग। तो सबसे जो बढ़िया मेरे को प्राकृतिक खेती का लाभ हुआ है वो घर से ही जो मेरे उत्पाद बिकने शुरू हो गए। कृषि विभाग के हरोली ब्लॉक में कार्यरत खंड तकनीकी प्रबंधक अंकुश कुमार शर्मा ने बताया कि वर्ष 2018 में जिला के किसानों को प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में प्रेरित करने के लिए सुभाष पार्लेकर से 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करवाया गया था। उन्होंने बताया कि वर्तमान में अकेले हरोली ब्लॉक में करीब 2000 किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं। मेरा नाम अंकुश कुमार शर्मा है, मैं जिला ऊना में ब्लॉक हरोली में खंड तकनीकी प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ और हमारे यहाँ पर ब्लॉक में 2018 में हमने प्राकृतिक खेती किसानों के साथ शुरू की थी, जिसमें शुरुआत में 6 दिवसीय का प्रोग्राम जो हमारे हुई थी वो सुभाष पालेकर जी द्वारा कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में किया गया था, जिसमें हमारे किसानों ने उसके उपरांत प्राकृतिक खेती की शुरुआत की। आज दिन तक हम लगभग 2000 से अधिक हमारे जो किसान हैं इस खेती को हमारे ब्लॉक में अपना चुके हैं, जिसमें वो छोटे स्तर से लेकर अधिक दो कनाल से लेकर 50 से 60 कनाल तक वो अपनी खेती में इसको पूर्णतः अपना रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। इसमें हम किसानों के लिए 2 दिवसीय प्रोग्राम जो हमारा ट्रेनिंग रहती है वो हम उनके पंचायत लेवल पे ग्राम पंचायत लेवल पे और गांव में जाकर उनको देते हैं, जिसमें हमारे प्रशिक्षित किसान उनको 2 दिवसीय जो प्रोग्राम है उसमें ट्रेनिंग में उनको पूरी ट्रेनिंग, जिसमें हम जीवामृत
प्रैक्टिकली तौर पर सब उनको बनाकर वहाँ पे बताते हैं। इस खेती को अपनाकर किसानों की आमदन बढ़ी है, जिसमें हमारा जो सह फसल के तौर पर, जैसे अगर वो गेहूं लगाते हैं तो उसमें सह फसल के तौर पर चना या कोई दलहन फसल लगा रहे हैं, जिसके साथ वो एक फसल के साथ अपना खर्चे निकाल लेते हैं और दूसरा फसल उनको मुनाफा दे के जाती है, जिसमें उनकी लागत तो जो भी यूरिया है और केमिकल है उससे ना डालते हुए उनकी लागत कम हुई है और उसके कारण उनका मुनाफा अधिक से अधिक दुगना से ज़्यादा। रमन कुमार ने प्राकृतिक खेती को अपनाकर पूरी तरह से ना केवल खुद को इस कारोबार में स्थापित किया है, बल्कि अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करवाया है। DD News के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।